सम्मान चिन्ह भेंट करने की कृपालता करें। हरविंदर पाल सिंह जी नीटा, सर इंदर सिंह जी सिंह दशमेश्वर सोसायटी, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना है कि बहुत शांतिमय ढंग से आप सब कवरेज करें, पीछे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कवरेज कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी तो पूरे इलेक्शन भर वो उतारते नहीं और गुरु महाराज की कृपा उनके ऊपर रहती है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बोले सौ निहाल, सौ निहाल। माननीय ब्रजेश पंत पाठक जी, माननीय न्याय मंत्री, और कोई भी किसी भी समय किसी भी काम से जाए तो उसकी समस्या का निवारण तुरंत, इतना त्वरित कोई भी मंत्री शायद काम ना करता हो जितना ब्रजेश पाठक जी करते हैं। धर्म और सत्य के जागरण के लिए जिस प्रकाश पुंज का प्राकट्य होता है, जिन्होंने व्यापक संदेश के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन किया और आज 550 वर्ष के बाद भी हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनका स्मरण करते हुए उनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के बाद देश जिस कार्य के लिए अक्सर मांग करता था कि गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय जिस पवित्र स्थल पर व्यतीत किया करतारपुर साहिब, मैं भी भारत के सभी श्रद्धालुजनों को इसी प्रकार की जाने की, जैसे अन्य पवित्र गुरुद्वारों में हम दर्शन कर पाते हैं, ऐसे हम यहां पर भी जा पाए और इस बार यह सपना भी साकार हुआ है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनकी पहल आज करतारपुर साहब के साथ हम सबके सामने इस रूप में आई है। और वह दिन दूर नहीं होगा जब ननकाना साहब में भी हम सब इसी प्रकार से जाने में सफल होंगे। भाइयों बहनों, सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान ये देश और मानवता कभी विस्मृत नहीं कर सकती। आज से 550 वर्ष पहले जो ज्योतिपुंज अपना ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने के लिए मानवता जो उस समय विदेशी हमलों को से जूझ रही थी, धर्म और सत्य नष्ट हो रहा था, उस कालखंड में जिस तेजस्विता के साथ ज्ञान के उस प्रकाश को फैलाने के लिए इस धराधाम पर आती है गुरु नानक देव जी के रूप में, वह ज्योतिपुंज केवल भारत तक सीमित नहीं थे, केवल बृहत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। उस समय साधन नहीं थे लेकिन उन्होंने देश की सीमाओं को भी लांघा था, इंडोनेशिया से लेकर के और मक्का मदीना तक की सुदूर उस भूभाग को उन्होंने अपने उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जब व्यक्ति को
कोई चीज लेने की इच्छा नहीं होती, पूरे लोग को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जो भारत का संदेश रहा है वसुदेव कुटुंबकम का, जब उस संदेश के साथ वो कार्य करता है तो किसी बड़े से बड़े अत्याचारी और अन्यायी को चुनौती देने की स्थिति उसके सामने होती है। और यही कार्य तो गुरु नानक देव जी ने किया था। बाबर के अत्याचारों से थर्रा रही इस धरती में बाबर को जाबर कहने का साहस अगर किसी ने किया तो गुरु नानक देव जी ने किया है। जब एक बड़ा तबका भयभीत था कैसे धर्म बचेगा, कैसे सत्य बचेगा, कैसे बहन बेटियों की रक्षा हो पाएगी, आक्रांता देश और धर्म की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे उस कालखंड में, तब गुरु नानक देव जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को एक नई दिशा दी थी और स्पष्ट संदेश दिया था। जो न्यू गुरु नानक देव जी ने रखी सिख पंथ की, उसी पर भव्य महल बन पाया जहां पर सिख गुरुओं ने जब देश और धन पर कहीं कोई खतरा आता हुआ दिखाई दिया तो कभी पीछे मुड़े नहीं। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।